वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनं मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्नवतिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोजयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगद्वरुण्य धैयं सदा परिभवग्नम अविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्यहं पुनदुपालभवाद्विभूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीजित किमपि कपोदुष्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तविंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बदाथौ संकीर्तनैकवितरो कमलाई हताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरान् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वपदने लक्ष्मीरजस्य च वक्षसी यस्यास्ति हृदय संबित त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे विषयानधायतश्चित्तं विषयेषु विसज्यते मां मनुस्मरतश्चित्तं मयि एव प्रविलीयते
विषयान धायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मां मनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए जीव ततस्थ शक्ति भगवान का ततस्थ शक्ति है। किसी आदमी ने प्रश्न किया, ठीक है जीव तो भगवान का ततस्थ शक्ति है, आपने कई बार बताए हैं, पोपा जी को कह रहे हैं, इसलिए सेवा करने का भी इसका अंदर में वृत्ति है हो सकता, और जड़ जगत का विषय को भोग करने का भी, दोनों बीज रूप से है, भोग बीज। अगर भगवान का सेवा करने का इच्छा है, भोग बीज इसमें अव्यक्त रूप में रहता ही है। भोग बीज जीवों का स्वरूप में ततस्था भाव जो जीवों का स्वरूप में सुप्त रूप में रहता है, जीवों का स्वरूप में सुप्त रूप में रहता है। किसी का प्रश्न है, सिद्धि का बाद भी जीवों का अंदर में सो जो भोग बीज जो है ये भोग वासना रह सकता, सिद्धि का बाद रह सकता। आप ये कहते हो कि भोग बीज इसमें अव्यक्त रूप में तो है ही है, तो सवाल ये है, सिद्धि लाभ का बाद भी जीवों का अंदर में ये भोग बीज या भोग वासना रह सकता है? पोपाद उत्तर दे रहा है, जीव भगवान का ततस्था शक्ति होने का नाते जीवों का स्वरूप का अंदर में सुप्त रूप में ततस्थ भाव रहता है, दोनों ओर जाने का टेंडेंसी। पापात कहते हैं कि सिद्धि लाभ का बाद कि किसी जीव का भोग वासना रह सकता? पापात कह रहे हैं नो, बिल्कुल नहीं। कि कुछ शास्त्र कह रहे हैं, जगत डुबिलो जीवेर होइलो बीजनाश, चैतन्य चरितामृत आदि खंडों में है। चैतन्य चरितामृत आदि खंडों में ये लिखा हुआ है, जगत डुबिलो आ जीवेर होइलो बीजनाश। इसका माने क्या है? जगत डुबिलो, जगत डुबिलो मतलब जगत होल वर्ल्ड इनंडेटेड, जगत डुबिलो और जीवेर होइलो बीज नाश, इसका माने क्या है? भगवान का ततस्था शक्ति, ततस्थाक्षर जीव शक्ति में कृष्णोन्मुखी, कृष्णो उन्मुखी चेष्टा का साथ कृष्णो वैमुखुर विभोग वासना बीज भी अव्यक्त रूप में अवस्थित है, ये जरूर है। भगवान का जो ततस्थाक्ष जीव शक्ति में कृष्णोन्मुखी टेंडेंसी जो है, चेष्टा के साथ कृष्ण वैमुख रूपी भोग वासना बीज भी अव्यक्त रूप में इसका अंदर में रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। संसार विक्षो है, जिसका बारे में गीता में बताया गया ना, ये संसार वृक्ष है, इसका बारे में गीता में बताया गया, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम। अक्सर इस जगत में जो पेड़ पौधा है सबका जड़ मिट्टी के अंदर में है, लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका जो जड़ है ऊपर में है, इसलिए गीता में बताया भगवान, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम प्राहुर अव्ययम्।
संसार रूपी ये जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष में भी वासना रूप का बीज लगता है। संसार वृक्षो, संसार रूपी जो वृक्ष है, इसमें से वासना बीज काल की प्रवाह के द्वारा सिंचित होके तरह तरह का भोग बंधन के द्वारा बद्ध जीवों को डे एंड नाइट ऑल द 24 आवर्स हर वक्त त्रिताप जाला में डालते हैं। अहरह त्रिताप क्लिष्टो, त्रिताप का क्लेश दे रहा है, दबा डाल रहा है। प्रपद कह रहे हैं जैसे कि मृत्तिका में किसी बीज को अगर बो डालो, प्रपद कह रहे हैं जैसे मिट्टी का अंदर में किसी बीज को बो दिया अंदर में, मिट्टी का अंदर में, लेकिन अगर सारे जगह बीज लगाने के बाद अगर पानी पानी हो गया चारों ओर, तो इसमें क्या होगा, ये बीज खराब हो जाएगा। इसका अंतुरत अंकुरोद्गम स्प्राउट, इसका अंदर जो अंकुरोद्गम होने का जो पॉसिबिलिटी है, ये खराब हो जाएगा। क्योंकि बीज लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि सफिशियंट पानी आए, ज़्यादा नहीं, जैसे ऊपर से पानी भरा रहे, सफिशियंट पानी भी रहे, हवा भी चलते रहे और सूरज का ताप भी इसका अंदर में हैचिंग करते रहेगा। और उसके बाद ये बीज का अंदर से अंकुरोद्गम का संभावना है। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कि मिट्टी का अंदर में बीज को बो डाला और चारों ओर पानी पानी हो गया, जलमग्न हो गया, और इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद किसी दिन बाद ये बीज से कोई अंकुरोद्गम होने का और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये खराब हो जाएगा, सड़ जाता है। पापा जी ऐसा उदाहरण देते हैं, ऐसा ही भगवत सेवा समुद्रों का अतल बारी, इसी रूप ऐसा ही गुरु जी का कृपा से, वैष्णव कृपा से, भगवत कृपा से भगवत सेवा का जो बार आया, ये भगवत सेवा का बार आया, उसका समुद्र का अतल बारी में कृष्ण सेवारतो अवस्था में भोग वासना बहुत दिन तक रहते हुए ये प्लावन के खातिर, प्लावन के कारण ये बीज खराब हो जाता, मतलब स्वरूप में सुप्त रूप में भोग वासना रहते हुए भी गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा भगवत सेवा रूप समुन्दर का अतल गहवर में ये भोग भी रहते 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 इसका अंकुरोद्गम होने का जो पॉसिबिलिटी खराब हो जाता। कहने का मतलब है जो सेवा का आनंद में डूब गया उसका दोबारा भोग वासना आने का तो कोई संभावना है नहीं, ऐसा कोई। और प्रभुपाद कह रहे हैं इस ऐसे ही इसका अंकुरोद्गम होने का पॉसिबिलिटी जो है ये खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसा श्लोक भी हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम बाड़ी में सब हैं, प्रबोधानंद सरस्वती बात कह रहे हैं और मेरा ये प्रेम बारी का स्पर्श तक नहीं हुआ, ये खेत करके कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती भाई, तो महापुरुष, भगवान का निजी जन है, राधा रानी का
जो भी है जो श्लोक दे के शुरुआत किया था इस पर ध्यान दे कि जो मसला जो चर्चा चल रहा है 13वां अध्याय पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का विषय में धीरे धीरे चर्चा हो रहा है। ये जो चर्चा हो रहा है उसका साथ ताल्लुकात है इसका विषयानुध्याय तो चित्तम विशेष विसज्जति। गीता में ही भगवान बोला 11 अध्याय उध्याय में चर्चा हो चुका विषयानुध्याय तो चित्तम। जब चित्तों में विषय का ध्यान रहता है मन बुद्धि चित्त अहंकार का अलग अलग फंक्शन का बारे में चर्चा किया है और दोबारा करने का समय नहीं है। चित्तो है चिपक लेता मैग्नेट, ये जैसे कैमरा का माफिक और इसका जो विषयन है तो चित्तम चित्त में उसका तस्वीर पड़ता और उसमें मन रूपी दर्पण में हलचल मच जाता है, खलबली मच जाता, चंचल भाव। जैसे उदाहरण दिया था महाप्रभु ने उदाहरण दिया चेत दर्पणम अर्जुनम, और वेदांत में वो भी आता है कि एक स्थिर जलाशय, एक निवात, कोई वायु नहीं है, एकदम स्थिर अचंचल अवस्था है वायु का। इस अवस्था में किसी तालाब सरोवर में अचानक ध्यान दे तो इसका अंदर में एक ताल वृक्ष का, ताल वृक्ष जानते हैं प्लम ट्री, ये ताल वृक्ष का एक तस्वीर गिरा, लगता है कि एकदम स्थिर है, कोई हलचल नहीं है। इसमें से एक ठो पत्थर ये तालाब का अंदर में फेंकने से वह अचानक इसमें चंचल हो जाएगा। वो जो तस्वीर है ताल वृक्ष लगेगा कि चल रहा है, एकदम एक पत्थर को पानी का तालाब का अंदर में फेंकने से उसमें जो लहर आते रहेगा इसमें चंचल भाव पैदा हो जाएगा, उसमें लगेगा कि ताल वृक्षों एकदम चंचल होकर हिल रहा है। लेकिन ये बात तो सही नहीं है, ये ताल वृक्षों का हिलने का कोई बात नहीं है, लेकिन इसका अंदर में जो पानी का जो चंचल भाव हुआ इसमें से उसका जो तस्वीर है इसको हिलाना शुरू कर दिया। तो विषयन है तो चित्तम विशेष विसज्जति, विषय का ओर ध्यान देने से ध्यातुमिन ध्यान लगाने से धीरे धीरे इसका अट्रैक्शन होने से विषय में डूब जाता है, विशेष विसज जाते। और कोई अगर मेरा बारे में चिंतन करे माम अनुस्मरत चित्तम मई एव प्रबिलियते, सदा विषय चिंतारत व्यक्ति का चित्त जैसे विषय में ही विलग्न हो जाता है, विलीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है, ऐसे मेरा बारे में जो ध्यान लगाता है भक्त लोग माम अनुस्मरत चित्तम मई एव प्रबलियते, मेरा बारे में चिंता करे तो मेरा उस व्यक्ति का चित्त मुझ में लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तन्मयता प्राप्त होता है। यही बचने का रास्ता है। 20 नंबर श्लोक का चर्चा बहुत हो चुका, फिर भी कब कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी चर्चा करो काफी नहीं है। कार्यो कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानम भक्तित्व हेतु रुच्यते, इसका दोबारा चर्चा होना संभव नहीं, फिर भी याद दिलाने के लिए थोड़ा कह रहे हैं। मेटेरियल जो कार्य कारण बाद है विषय है, इसका माने है शरीर और इंद्रिय कर्तिक प्रकृति का कर्तित्व प्रकृति का धर्म है। जोरियो कार्यो मेटेरियल कार्यो और कारण जो है अर्थात शरीर
और इसमें जो इंद्रियां हैं इसका जो कर्तृत्व है यह प्रकृति का धर्म है, इसका बारे में बहुत चर्चा हो गया फिर भी काफी नहीं है। मतलब ये इसका जो ऑपरेशन है प्रकृति का प्रभाव उसका ऊपर ज़्यादा है, और सुख दुख का जो विषय है ये चैतन्य का बिना इसका इसका जो अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि सुख दुख ये कौन भोगेगा, जड़ वस्तु तो कोई सुख भोग भोग नहीं सकता, इसलिए सुख दुख भोग का जो विषय है इसमें जरूर चैतन्य का बिना अतः चेतन जीवात्मा जो है इसके बिना इसका जो सुख दुख का जो अनुभव है ये संभव नहीं हो पाता। सुख दुख का भोग का क्रिया जो है चैतन्य के बिना संभव पर नहीं है, इसमें चैतन्य का प्राधान्य है। जो भी है ईश्वर का कर्तृत्व तो जो भी है प्रकृति के द्वारा जड़ मन इंद्रियो बुद्धि शरीर का संचालन कैसे कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव है, सारी चर्चा करके दिखाया। लेकिन ये सारी जो शरीर के अंदर में चेतन आत्मा नहीं रहने से कुछ नहीं संभव है। मेरा कहने का मतलब है ये चेतन आत्मा जीवात्मा अनंत कर्म फल के अनुसार वर्तमान संस्कार के अनुसार जो शरीर पकड़ा है, मतलब शरीर दिया गया इसको, यार ये चिन्मय भाव इसका अंदर में छुपा हुआ है, इसको अनुभव में नहीं है कि मैं चिन्मय हूं, मैं ये जड़ा प्रकृति का साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, ये समझ में नहीं आता। इसके कारण कैसे प्रभाव जमा के बैठा, प्रकृति का प्रभाव कैसे चला गया, इसका बारे में चर्चा हुआ। और भागवत में तीसरा स्कंद में कपिल जी महाराज का भी बात उठाया था 26 अध्याय से, कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु भक्तित्वेषु कुदुक्षानम कारणम है ना, ए भक्तित्वेषु कुदुक्षानम पुरुषम प्रकृति परम। कार्यो कारण कर्तृत्व कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु, कार्यो कारण का जो विषय है, कार्यो कारण का जो विषय है ये जो शरीर है इंद्रियां हैं सब जो एकदम त्वेत एकदम बना के बैठा दिया प्रकृति गर्भों में, मैया का गर्भों में प्रकृति का उपादान से संगठित जो शरीर है समय पे पैदा हो गया, उसका बाद इसका ऊपर धीरे धीरे प्रकृति का कैसे कैसे प्रभाव चल रहा है, जो कार्य और कारण जो चल रहा है सब प्रकृति। लेकिन भक्तित्व सुखोदक्षानम सुख और दुख का जो भोग इसका जो अनुभव जो है पुरुषम प्रकृति परम, प्रकृति का परे वस्तु जो चेतन वस्तु है पुरुष जो चेतन आत्मा बैठा वो कारण है। ये सुख दुख को भोग करने का जो विषय है इसका ऊपर कैसे क्या होता है इसका बारे में चर्चा हो गया। 21 नंबर श्लोक में भी चर्चा किया था पुरुषो प्रकृतिस्थो ही पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजानुगुणा, ये जो पुरुष जो है अर्थात जो ये जो आत्मा है प्रकृति का ट्रैप में आकर प्रकृति का जो इन्फ्लुएंस है इसका अंदर में आकर पुरुष प्रकृति का अंदर में गिर गया। जैसे हम बोला था ना, चर्चा किया था महाविष्णु सृष्टि का समय प्रकृति का ओर जब नजर डाले उस समय जितना सारे जीव महाविष्णु का अंदर में जितना सारे जीव है सब पूर्व संस्कार का अनुसार प्रकृति का गर्भ में
आने का बाद धीरे धीरे प्रकृति देवी धीरे धीरे उसको धीरे धीरे एक एक करके अपना कर्मफल को अनुसार शरीर पकड़ता है। ये प्रकृति का अंदर ट्रैप में आ गया, प्रकृति का जो ट्रैप में गिर गया। पंचभूत का ट्रैप में आ गया, इसका अंदर में इसका कवरिंग हो गया। एक बाहर का ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, फाइन बॉडी, इसका अंदर में आत्मा है, चेतन आत्मा छुपा हुआ। पुरुषः प्रकृति प्रकृतिस्थो ही भुंगते ही, यहां जो ही लगाया इसका मतलब एफर्मेटिव, प्रकृतिस्थो होने का कारण, प्रकृतिस्थ होने का कारण ही प्रकृतिजानो गुणानो भुंगते। प्रकृति का ट्रैप में अगर नहीं आए तो कैसे भूंगेगा। इसीलिए पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजानो गुणान। प्रकृति का जो साले प्रभाव है, जैसे इतना सारे भूमि रापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में प्रकृति, आठ किस्म का जो प्रकृति, ये लगता है कि चेतन वस्तु का कांटेक्ट में आया तो इसका जो इसका प्रभाव इसका ऊपर पड़ा। असली बात तो ये प्रकृति जड़ है, लेकिन इसका प्रभाव इसका ऊपर पड़ने से लगता है कि ये प्रकृति कर रहा है। पुरुषः जिसका उदाहरण महाप्रभु ने दिया था, जे लोहे का टुकड़ा का अंदर में कोई उत्ताप आगुन आग का जो ताप है ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अग्नि का अंदर में रहने का कारण लोहे का बार्निंग कैपेसिटी जलाने का क्षमता आ गया। ये लोहे का जरूर नहीं है, ये लोहे का जरूर नहीं है, लेकिन ये आग का साथ रहने का कारण इसका अंदर में जलाने का क्षमता पैदा हुआ। अग्नि के संस्पर्श में तप्त लोह का दाही क्षमता आ गया, इसका लिए लोहा कोई कारण नहीं है, इसका बारे में चर्चा हो गया। स्वपुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतिजानो गुणान्। कारणं गुणसंग अस्यो सदसद योनि जन्मसु ततस्य स्वभाव के कारण, ततस्य स्वभाव के कारण जिसका बारे में प्रभुपाद का चर्चा अभी शुरुआत में किया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना है। ततस्य स्वभाव से शुद्ध जीव वैकुंठों का जो शुद्धता, इसका अंदर में सतह प्रवृत्ति है, इसको भूल गया। प्रकृतिस्थ होने का बाद प्रकृति का कबल में प्रभाव में आकर प्रकृति जातो प्रकृति का अंदर में जो प्रभाव है, गुणावली है, इसको भोग करते रहते हैं। प्रकृति जातो जो गुण संग वसतो, आप प्रकृति का अंदर में जो गुण है, ये प्रकृति जातो गुण संगो, गुणों संग का मतलब समझने की कोशिश करो। ये जगत में, ये जड़ जगत में जितना सारे वस्तु है सब गुणोमय वस्तु, एकमात्र धाम गुरु वैष्णव नाम परिकर वैसे ये छोड़कर, ये मटेरियल जगत में है जितना सारे वस्तु है, तमाम वस्तु ये गुणोमय वस्तु, और ये ऐसा एक प्रभाव है जो शरीर पकड़ने का बाद प्रकृति का अंदर में जो डिस्प्ले हुआ है, जितना सारे एंजॉयमेंट का वस्तु है, सारे तमाम किसी वस्तु का लिए अट्रैक्शन फील करता है कोई जीवात्मा, किसी वस्तु का डिटैचमेंट फील करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन चलते रहता है। वस्तुतः शुद्ध जीवात्मा का स्वरूप अगर देखा जाए तो प्रकृति का अंदर में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन इसका अंदर में आ नहीं सकता, लेकिन आ रहा है। इसका कारण है जैसे भूत पकड़ने से, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी उदाहरण दिया,
যে পিসাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয় মায়াবদ্ধ জীবের হয় সেই ভাব উদয়। বাংলা সমাজ মে আতা হ্যাঁ থোড়া আপকো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কে রে হ্যাঁ পিসাচি পাইলে যথা মতিচ্ছন্ন হয়। পিসাচি ভূত পেত পিসাচ কেসে কেসে কিসকা শরীর কা অন্দর মে ঘুসতা হয় জানতে হো আপ? নেই হ্যাঁ। জিসকা অন্দর মে পিউরিটি কা অভাব হ্যায় মেন্টাল পিউরিটি শরীর কা পিউরিটি ওর জিসকা অন্দর মে রাশি পতলা হ্যায় মানে জিসকা কনসিয়াসনেস পতলা হ্যায় উসকো পকড়তা হ্যায় ভূত পেত পিসাচ কিসি শরীর কা অন্দর প্রভাব জমানে কা পহলে ইয়ে সোচতা হ্যায় কি ইস শরীর কা অন্দর মে হামারা প্রভাব জমা যায়েগি নাহি। अगर देखे नहीं संभव नहीं है इसका इस शरीर के अंदर में घुसकर अपना प्रभाव जमाना संभव नहीं है बिल्कुल तो बिल्कुल वो नहीं घुसेगा। किसी ऐसा शरीर के अंदर घुसे जिसका अंदर में अपना प्रभाव को दिखा सके। आई बात समझ में? नहीं तो बिल्कुल घुसेगा नहीं। तो पिसाची क्या करता है पहले सोचता है कि इसका अंदर में जितना ही वो सोच लो कि 10% 20% 50% 70% कितना अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस इसके अंदर में है। कॉन्शियसनेस मीन नॉट फुल कॉन्शियसनेस। हमारा अवचेतन अवस्था में जिसका अंदर में अच्छा बुरा समझने का जो विचार है ज़्यादा है। जब भी इसका जो प्रकृति का प्रभाव है फिर भी अच्छा बुरा समझने का प्रभाव ज़्यादा है और किसी का अंदर में नहीं है बिल्कुल नहीं। तो ये पेतात्मा किसी शरीर का अंदर में घुसने का पहले विचार करता विचार कर लेता कि इसका अंदर में प्रवेश करने का साथ साथ मैं इसका जो कॉन्शियसनेस है जितना भी है ये कॉन्शियसनेस को पूरा पूरा कवर अप करने का अवस्था है कि नहीं। वह अपना जो प्रभाव जो है उसका अंदर में प्रवेश कर कर उसका चेतना को बिल्कुल आवृत कर देते। आवृत करने के बाद अभी जो पितात्मा का जो प्रभाव है वो दिखा रहा है ये शरीर को लिखा है। इंस्ट्रूमेंट कर लिया ये शरीर को इंस्ट्रूमेंट बना लिया और अपना काम को हासिल कर रहा है। बदमाश दिल्ली में घटना हुआ था वो सब बोलने का दरकार नहीं। ऐसा ही है तो अगर प्रभाव नहीं कर सकता तो इसका अंदर में घुसेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि श्लोक में पुरुषः प्रकृतिस्तो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुगुणान् कारणम गुणसंगो अस्य सदसत योनि जन्मसु। अपना किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाता। ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर ये किसका कारण है? ये प्रकृति को जो एंजॉयमेंट कर रहा है। प्रकृति का शरीर प्राप्त होने के बाद अपने को सोचता है कि मैं जनानी हूँ और कि मैं मर्दाना हूँ ऐसा शरीर पकड़ने वाला। और अकॉर्डिंग टू दैट प्रकृति का प्रभाव चल रहा है इसका अंदर में। ऐसा करके अपना कुछ छोटा बड़ा जोनी में प्रवेश करने के लिए इधर उधर सदसत जनी मतलब ये बोलने का मानी है उच्चा बचो नीचा मैंने कीड़े मकोड़े हो गया उसका कंजे बिल्कुल कवर अप हो गया। आ सदसत जनी का मतलब है मैंने ऊंचा नीचा जनी सद मतलब ऊपर मनुष्य जन्म हुआ ये सद और असद जो जोनी है ये जो शब्द प्रयोग किया यहाँ सद का मतलब इटर्नल नहीं है। एक एक जगह एक एक शब्द व्यवहार किया गया कार्य कारण के बारे में
कॉज एंड इफेक्ट के बारे में चर्चा किया था, हैं? जब भी प्रकृति का प्रभाव नहीं, फिर भी प्रकृति को ही माना गया, कैसे, इसके बारे में चर्चा हुआ था। सदसत जन्यु समूह में जन्म होना, यह सत जो है इस अर्थ में नहीं व्यवहार किया गया कि सत का मतलब है नित्य सत ओम तत्, ये नहीं। यह सत का मतलब ऊंचा जन्म में गया, भगवत भजन का अनुकूल मानव शरीर, और नीचा जनी में जो पशु पक्षी होके जन्म लिया, कीड़ों मकोड़े, और नीचे में गया। ऐसे ही उदाहरण किया, उदाहरण दिया भक्ति में ठाकुर कीर्तन में, पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे व निरय तब भक्ति रोहु भक्ति बिनोद ही जाए। और यहाँ जो है 21 नंबर में, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृतियानुगुणानु आकारणम गुणसंगो अस्व, इसका कारण क्या है, मेरे कारणम गुणसंगो अस्व सदसत जोनि जन्मसु, इसका बारे में चर्चा किया। जब तक सत्संगो मतलब साधु संग नहीं होता है, वही जीव अपना भक्तित्व हेतु, अपना भक्तित्व एंजॉयरशिप, एंजॉयिंग मूड होने के कारण भोगो विषय का उपास प्रिया करते करते, और भोग का जो समान है ये सप्लाई करते रहती है मायादेव, जड़ा माया। आई बात समझ में, विचार करके देखना, जितना एंजॉयमेंट होता है जड़ जगत में, सारे मैटर है, मैटर चाहे दारू है चाहे जनानी, कोई भी एंजॉयमेंट है, शब्दों स्पर्शों रूपरास गंधों का बाहर नहीं है मेटेरियल जगत का। तो ये जो एंजॉयमेंट का जो वस्तु है, ये सप्लाई कौन करता है, प्रकृति देवी। इसको ट्रैप में डालकर क्या क्या भोगने का वस्तु सब देते रहता है। ये भक्तित्व एंजॉयिंग मूड लेकर जो जीव चल रहा है, और भोग का जो समान है स्प्रिया एंजॉयमेंट जो है, इसका अर्पणकारी, इसका सप्लायर कौन है, अनादि प्रकृति। क्योंकि जीव अनादि है, प्रकृति का भी अनादि है, प्रकृति का जो है ना जीव अनादि है, भगवान का जो प्रकृति ये भी अनादि है। जैसलिए बार बार बोला, भगवान का माया अनादि है, जीवात्मा अनादि है, भगवान का माया अनादि है, भगवान अनादि है ना, अनादि कर्मफल भी है, अनादि कर्म फल, अनादि बंधन, ये सारे इसका जीव तत्व का बारे में जब चर्चा किया था, इसका बारे में बहुत चर्चा हो गया। तो अनादि प्रकृति को आश्रय करके ही जो एंजॉयमेंट का जो वातावरण है, इसको भोग रहे। जब तक सत्संग नहीं हो रहा है, साधु संग नहीं हुआ है, तब तक इसका वासना का क्षय का कोई संभावना नहीं। जब तक सत्संग के द्वारा वासना क्षय नहीं होता है, तब तो कोई रास्ता नहीं खुलेगा। साधु संग सर्वसत्य को है, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। किंतु उसका भोग वासना की जो क्षय होने का साथ साथ परमात्मो धामस्थो, परमात्मा का धाम का जो सुख है, कहने का मतलब ये तटस्थ जीव साधु संग होने के बाद अनुभव में ला पाता कि हमारा आनंद है अप्राकृत जगत का सेवा करने में, तब अनुभव में आता है। परमात्मो धामस्तो सुख इसका कब्जा में धीरे धीरे आना शुरू कर देता। ऐसा करके उदाहरण दिया, और ये बात समझ के रखना, जितना सारे ज्योतिषोम आदि यज्ञ करता है स्वर्ग काम के लिए, जितना भी सारे जाग योग होता है, इसमें ज्योतिषोम
स्वर्गकामी होकर या तो दीक्षा मंत्र आदि अगर लेता है तो ये जो दीक्षा मंत्र आदि ये क्या शरीर का लिए है? ये जो गुरु वैष्णव का पास जाके आत्मसमर्पण का जो शास्त्रों का विचार है, आत्मसमर्पण कर लो मतलब अपना जो पर्सनल जो चिंता है, आप पर्सनल जो डिजायर है बिल्कुल इसको समाप्त मिट्टी में मिला दो, एकदम शरणागत हो जाओ गुरु वैष्णव के चरण में। शरणागत होने का बाद दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे गत आत्मसमर्पण गुरु वैष्णव के चरण में होने का कार होने का साथ गुरु वैष्णव जो दीक्षा देता है दीक्षा मंत्रों ये असर पड़ता है। स्वतंत्रता रहने का समय जो दीक्षा होता है ये दीक्षा पक्का होता नहीं उल्टा होता, फिर इसका बाद सत्संगो चलते रहे इसका बारे में आएगा चर्चा है। जो आप समझो कि 50% शरणागत हुआ था तो इसका मतलब कि मैं जीवात्मा कुछ नहीं होगा, हाँ 50% शरणागत हुआ इसका बाद अगर सही संग मिले तो इसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ते चलेगा और जो मंत्र दिया है गुरु जी वो जपते रहेगा। तो दीक्षा मंत्रों को एक लॉन्ग प्रोसीड्योर बताया गया, लॉन्ग प्रोसीड्योर नॉट ए मैटर ऑफ जो ये दीक्षा मंत्रों जो है इसका जो असर है वो ऐसा प्रभाव है नित्य जगत में जाने का बाद भी गुरु का साथ हमारा संबंध नित्य है और सेवा करते रहे। तो ये जो बात है दीक्षा मंत्र आदि ये जरूर शरीर का लिए नहीं है, जरूर ये दीक्षा मंत्र शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा का लिए जीवात्मा का लिए, आई बात समझ में? जैसे गजेंद्र जो है ये हाथी शरीर पकड़ा सांप मिला था अगस्त ऋषि से, लेकिन किस्मत अच्छा है कि पहले जन्म का जो मंत्र मिला था गुरुजी से ये अचानक क्या जाने ठाकुर जी का कृपा अचानक याद हो गया, तो इसलिए लिखा हुआ है तो हाथी शरीर। आप गजेंद्रो बताएं कि ठाकुर जी मैं जो स्तप कर रहा हूँ आपको विनती कर रहा हूँ ये जरूर जरूर समझना कि ये मेरा शरीर के लिए नहीं, मैं अपना हाथी शरीर को बचाने के लिए आपको प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, आपका प्रार्थना कर रहा हूँ क्या मेरा हाथी शरीर बचे रहे बहुत दिन सब हम जीते रहे, ऐसा नहीं। गजेंद्र ने ये बात को स्वीकार किया और इसके द्वारा साबित होता है ये आध्यात्मिक क्रिया कर्म जो है ये शरीर का बंधन को छुटाने के लिए, मतलब ये आत्मा का इंटरेस्ट है, आत्मा को फ्री करने के लिए ट्रैप से। जजाप परमम जाप्यम प्रायो जन्मानु शिक्षितम गजेंद्र जी ने का याद हो गया पहले जन्म में जो संस्कार था थोड़ा प्रैक्टिस किया ये अचानक याद आ गया, इसलिए गजेंद्र मोक्षण का उधर लिखा हुआ है जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मानु शिक्षितम, पूर्व जन्म में जो सीखा था अचानक आ गया, संस्कार बचा खुचा था इसका अंदर में, बस वो कामयाब हो गया। सो ऐसा है संसार भ्रमित गुणो भाग्यो भाग्य केहो तरे नदीर प्रवाहे जान काष्ठ लागे तीरे मध्यकन्नो चैतन्य चैतन्य। एक लकड़ी का लॉग जो है, लकड़ी का जो एक लॉग है ये पानी में तैरते तैरते कभी आके एक स्थिर में लग जाता, जैसे चक्रतीर्थों का जो प्रभाव आप जानते हो ना, ये दारू ब्रह्मों को पानी में दे देता उधर से फ्लोटिंग भासते भासते चक्रतीर्थों में आया था, ये जगन्नाथ का दारू ब्रह्म है जो भी यही उदाहरण हमने दिया। सो ये जो है संसार भ्रमण करते करते किसी भाग्य
भाग्य के द्वारा किसी को संसार वासना समाप्त होके ये अवस्था का पैदा होता, जिसका बारे में भागवत जी महापुराण में भवाप वर्ग भ्रमतो यदा भवेत जनस्व तरह अच्युत सत्समागम सत्संगम जरि तदीव सदगतो परावर इसे तो ही जाति रचि। प्रकृति का कर्तृत्व का बारे में अगर कोई सोचे, बार बार भगवान ने बोला ये क्या बात है, कार्यो कारण कर्तृत्व, ये श्लोक बताया भगवान, बताया ना, कार्यो कारण कर्तृत्व, कार्यो कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विदु, ये बताया भगवान। आप प्रकृति क्रिया माननी, फिर प्रकृतैव च कर्माणि इत्यादि बहुत सारे श्लोक है, अब आया नहीं, आगे आएगा श्लोक। ये जो है बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि जो जबस्ती प्रकृति जड़ा वस्तु है, इसका अंदर में कभी कर्तृत्व, इसका डुअलशिप, प्रकृति का खुद का कैसे हो सकता है, प्रकृति जड़ा है, ये बलात्कार करके इसको प्रयोग कैसे प्रयोग किया, इसका बारे में मैं चर्चा करके दिखाया। जब भी प्रकृति जड़ा है, कैसे कैसे प्रकृति को प्रभाव पड़ता है, प्रकृति कैसे, प्रकृति का प्रभाव कैसे संचालित होता है, इसका बारे में दिखाया, इसीलिए ऐसा कार्य कारण कर्तृत्व ये सब श्लोक बताया। असली बात तो ये अंतर्यामी रूप में जो चेतन का अधिष्ठान होने का कारण ये प्रकृति का प्रभाव का पता चलता, नहीं तो किसी मुर्दा को प्रकृति का साथ रख दो, क्या करेगा, क्या करेगी, हो नहीं सकता। इसलिए पुरुष प्रकृति के द्वारा अपना काम को संपादित करते रहते हैं, जैसे भूत अंदर में जाकर शरीर के द्वारा, ऐसे ही पुरुष प्रकृति के द्वारा कर्म संपादन करे हैं। प्रकृति का कर्तृत्व नहीं होने का बावजूद प्रकृति को कर्ता माना गया, इसका बारे में चर्चा हुआ बहुत सारे। और 22 नंबर श्लोक में ये चर्चा आता है उपोद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये जो है कह रहे हैं कि उपोद्रष्टा अनुमंता अस्मिन् देहे, इस शरीर में परा माने जीव भिन्न अन्य पुरुष उपद्रष्टा साक्षी अनुमंता अनुमोदनकारी भर्ता धारक भोक्ता पालक महेश्वर में भगवान स्वयं परमात्मा च इति ओपी, अर्थात परमात्मा कहने का मतलब है ये शरीर का अंदर में जीव छोड़कर दूसरा एक पुरुष है, ये पुरुष है परमात्मा, ये शरीर में जीव छोड़कर दूसरा एक पुरुष है, एक ही शरीर का अंदर में, जैसे एक ही वृक्ष में दो पंछी बैठे हुए शेतसर उपनिषद में है, इधर वो जो चर्चा है इसमें उपोद्रष्टा माने ऊपर से
ऊपर से उसका ऊपर नजर रख साक्षी, उपद्रष्टा मतलब साक्षी, माने जीवात्मा माया में गिरकर जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा उपद्रष्टा है, इसका ख्याल रख रहे हैं, नजरदारी जिसको बोलते हैं नजरदारी कर रहा है। ये शरीर में जीव भिन्नो दूसरा पुरुष है या निगतस्थ दुष्टा अनुमोदनकारी भर्ता भोक्ता महेश्वरा एवं परमात्मा का रूप में परिचित है। ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर, भगवान का कहने का मतलब है जीव जीव मेरा नित्य सखा है। भगवान कह रहे ये शास्त्रों में है ना, भागवत में लिखा हुआ है, ये दोस्त है, जीव मेरा नित्य सखा है। इसका बारे में उपनिषद में आता है ना, अब भागवत में भी आता है, श्वेतसर उपनिषद में आता है, द्वा सुपर्णा सजूजा सखाया समानम वृक्षम परिसज्जते तयो रण्यः पिप्पलम स्वाद्वाति अनस्ननन अन्नो अभी चाकसीति। मतलब है सर्वदा दोस्ती भाव लेकर तम सखा भावापन्न, दो पक्षी हैं, एक दूसरे का दोस्ती है, भूल गया, दो पक्षी हैं, ये देहोरूपी शरीर रूपी वृक्ष में आश्रय पूर्वक बसित बस रहे हैं, इसका अंदर में विराजमान है, देहोरूपी शरीर का अंदर में विराजमान है, ये देहरूपी शरीर को आश्रय लेकर, देहरूपी वृक्षों को आश्रय लेकर दो पंछी बैठे। इन दोनों में से एक जीवात्मा ये संसार रूपी वृक्ष का अंदर में, ये संसार रूपी वृक्षों का जो फल लगता है सुख दुख नामक फल जो है, आस्वादम सुख दुख कर्मफल को भोगते रहते हैं। एंड दूसरा जो दोस्त है परमात्मा परमेश्वर, ये भोग नहीं करते, साक्षी रूप में विराजमान रहता है। इसका बारे में भागवत जी महापुराण में भी है, 11 स्कंद में भगवान बताया, सुपर्णौ वेतौ सदृशौ सखायौ जद्रिच्छयोयुतौ हैं कृतो नीड़ौ च वृक्षे एकांतयोः खादति पिप्पलान पिप्पलान्नम अन्नो निरण्योपि बलेन भूयानो चिद्धर्मो निबंधन परस्पर सादृश्य युक्त। दोस्ती कहने का मतलब है अनंत काल जीवात्मा और परमात्मा का दोस्ती पक्का है, एक दूसरे को छोड़ता है, परमात्मा कभी भी छोड़ता है, इसलिए दोस्ती बताया। और चित धर्मो अर्थात जीव आत्मा जो चिद आत्मा है, परमात्मा तो चिद है ही है, और चित धर्मों का कारण एक दूसरे का साथ मिलता जुलता है, परस्पर सादृश्य युक्त हो, ये भी चित धर्म युक्त हो, ये भी चित धर्म युक्त हो, अभियोग और ऐक्यम मत हेतु सखाभाव संपन्न हो, कभी भी विचारते नहीं, जीव और ईश्वर प्रक्षिद्वय जदृच्छा क्रमे ये प्रकृति के दिए हुआ शरीर के अंदर में बसे हुए आगत हो, ये देहो नीड इसके बासा बना लिया, घोसला बना लिया, तन मध्य एक जीव जो है देहरूप अशत्व विक्रो जो है वृक्ष जो है इसका कर्म फल को भोगते रहते हैं सुख दुख, और दूसरा एक फल भोग करने का कोई सवाल ही नहीं,
ये नित्य तृप्तो ज्ञान शक्तादि बले समाधिक रूपे विराजमान था के, इसका मतलब है इसको कोई फल भोगने का कोई इच्छा नहीं, केवल ये नजरदारी करते रहते, देखते रहते। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जीव मानो कि ठाकुर जी का कहना है जीव अमान नित्य सखा, जीव अमान नित्य सखा है, जीव मेरा नित्य सखा है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ठाकुर जी मानो कि ठाकुर जी का फीलिंग, ठाकुर जी कह रहे हैं ये ततस्व स्वभाव जो जीव का अंदर में है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने से विशुद्ध भाव में विशुद्ध भाव में अवस्थित होने से, मतलब ततस्थ भाव का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने का साथ साथ ये हमारा पति सन्मुख हो, फेस टू फेस हमारा हमारा ओर अपना मुंह को मोर लेते हैं, फेस टू फेस और सन्मुख लाभ करें, ये ततस्थ भाव का विशुद्ध भावे इसका जो यूटिलाइज हुए विशुद्ध भाव अवस्थित होने का साथ साथ ततस्थ भाव विशुद्ध अवस्थित होने का, इसमें एक बात बोलना जरूरी है, चैतन्य चैतन्य ध्यान देना, चैतन्य चैतन्य में तो बताया गया जीवों का अनंत जीवों का टू दो कैटेगरी है, एक नित्य सिद्ध है नित्य बद्ध है, नित्य सिद्ध नित्य कृष्ण चरण उन्मुख और नित्य बद्ध का बारे में ठीक उल्टा बटा है अर्थात माया का, तो इसमें बीच में से ये कहाँ आ गया, ये जो हमारा ये जो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये ततस्थ भाव का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने से, ततस्थ स्वभाव विशुद्ध भाव अवस्थित होने से तुरंत मेरा ओर देखता है, शानमुख को लाभ करता है। ततस्थ स्वभाव का मतलब है लिबर्टी, टेंडेंसी टू गो बोथ वे आइदर वे, ये इस तरफ उस तरफ जाने का, इसलिए ततस्थ भाव। इसमें बहुत बार उदाहरण दिया जो नित्य सिद्ध जो है, नित्य सिद्ध नित्य जगत में नित्य कृष्ण सेवा सुख, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता और वो जानता ही नहीं माया का चीज है, और नित्यबद्ध हर वक्त बद्ध अवस्था में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनंत काल ये बद्ध अवस्था भी रह जाए, अनंत काल से इसका बद्ध अवस्था तो है ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनंत काल बद्ध अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं इसका बद्ध अवस्था वो हटाने का कोई रास्ता नहीं, ये नहीं कि इसका बद्ध अवस्था रह जाएगा, अनादि बहिर्मुख ठीक है लेकिन इसका बहिर्मुख अवस्था का समाधान हो सकता है, उन्मुख हो सकता है, इसीलिए सत्संग के कारण अगर इसका अंदर में जो बहिर्मुख भाव इतना दिनों से विराजमान रहा, ये बहिर्मुख भाव को खत्म होने का बाद साधु संग के कारण ये कृष्णोन्मुख हो सकता, तो ये भक्तिविनोद ठाकुर के कहने का ये मतलब है जे ये ततस्थ भाव का ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया अभी साधु संघ के कारण, ये अभी चित जगत का ओर देखा और चित जगत का ओर अट्रैक्शन फील किया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ततस्थ स्वभाव जो जीव का अंदर में है विशुद्ध भाव अर्थात प्रॉपर यूटिलाइजेशन दिस वे दे कैन डू, इस रास्ते में हो सकता, ततस्थ स्वभाव विशुद्ध भावे अवस्थित हो जाने के कारण तुरंत भगवान का ओर देखते रहता है, भगवान का धाम का ओर, भगवान का भक्तों का ओर, भगवान का ओर, और ततस्थ स्वभाव जो है इसी का नाम है लिबर्टी, और ये ततस्थ स्वभाव का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ, ततस्थ स्वभाव का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ अर्थात इसका जो लिबर्टी का यूटिलाइजेशन हुआ और भगवान का ओर देखा, भगवान का ओर सेवा करने का इच्छा प्रकट किया, तो इसका कारण ये है आगे चलकर इसका अंदर में इसका प्रोपेंसिटी है,
इसका अंदर में इसका प्रभाव है, आगे चलकर विमल कृष्ण प्रेम भी लाभ कर सकता है, इसका इसका अंदर में इसका पॉसिबिलिटी है। तभी इसका जो जैव धर्मों का भक्तिमोटर कह रहे हैं, इसका जो जैव धर्मों का इधर यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, इसका व्यवहार पक्का हो जाएगा, चरितार्थ हो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका जैव धर्मों का सक्सेसफुल हो जाएगा, कृष्ण प्रेम तक प्राप्त कर सकता है, ये बात है। जैसे एक आंख का स्फुलिंग है, एक आंख का चिरंगा है, आंख का चिरंगा है, किसी इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आ गया, ये तो ताए बिल्कुल छोटा सा यू नो बहुत एकदम सामान्य है, अग्नि का स्फुलिंग है, चिरंगा चिंगारी, और इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट का साथ रहने का कारण ये इतना विपुल आकार धारण करे तो मत पूछो। ये साधु संगो धाम नाम ये सब जो है इसका साथ रहते हुए एक क्षुद्र जीव का अंदर में सर्वशक्ति भगवान का सर्वशक्ति भक्ति वृत्ति का प्रभाव इसका अंदर में आए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। और भक्तिमत्ता कह रहे हैं कि ये ततस्था भाव का मिस यूटिलाइजेशन, अर्थात बद्ध अवस्था में था बद्ध रहेगा, मेटेरियल एंजॉयमेंट का ओर ही इसका खिंचावट है, इसके द्वारा क्या होता है, ये एंजॉयमेंट को पक्का करने के लिए सूक्ष्म रूप में एंजॉयमेंट जीवात्मा का अंदर में है, लेकिन एंजॉयमेंट को भरपूर करने के लिए शरीर को प्राप्त किया प्राकृत क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। ये ततस्था भाव का मिस यूटिलाइजेशन के कारण जीव जब प्रकृति का क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता तब परमात्मा फिर भी उसको छोड़ता नहीं, जब भी वो परमात्मा को छोड़ के भागने का कोशिश करता है, भोगने का है, दारू पीता है, इधर एंजॉयमेंट करने के लिए दौड़ता है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये जब मेरे को छोड़ने का है, मेरे को छोड़कर प्रकृति का एंजॉयमेंट के लिए दौड़ता है, जब प्रकृति का क्षेत्र में जो प्रविष्ट हो जाता है, फिर भी मैं उसका सहचर दोस्त बन के रह जाता हूँ, फिर भी मैं उसको छोड़ता नहीं, ये मेरे को छोड़ना चाहे मैं छोड़ता नहीं, परमात्मा के रूप में इसका सहचर दोस्त बन के इसका अंदर में रह जाता हूँ। अतः जीवों का शरीर में मैं जीवों का जो किए हुए कर्म जो है इसका इसका नजरदारी करता हूँ, देखते रहता हूँ, ये नजरदारी करता हूँ, सकल का उपद्रष्टा अनुमंता, इसका कर्मफल खराब है, इससे चल तेरे ये इच्छा हो रहा है ये कर, मैं तो इसके ऊपर दबा नहीं डाल सकता। अनुमंता का मतलब ये मत सचो कि भगवान ने खुला ऑर्डर दे दिया जा खराब काम कर, ध्यान देना, अनुमंता का मतलब अप्रूव कर रहा है, बट दैट अप्रूवल इज ऑल्सो किसका ऊपर डिपेंड करता है, जीवात्मा का भोगवासना का, उसका इच्छा है, ठीक है चल वो कर, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खुला में खुला ऑर्डर दे दिया तू भोग कर ले, अगर ऐसा होता तो दुर्योधन का जो बात है इसका बारे में सोचना चाहिए। दुर्योधन ने जो बोला जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थित न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जीवों का ध्यान आई बात समझ में, दुर्योधन कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये अच्छा है, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा रुचि नहीं है, क्यों नहीं है, बोले पूर्व कर्म फल संस्कार, और अधर्म क्या मैं जानता हूँ भले भांति, लेकिन ये रोकने के लिए इच्छा नहीं होता है, जिसका बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया ना भगवान को,
अनिच्छन्नोपि वर्षेयो बलादि बनी तो हे केशव, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं, लेकिन कैसे कैसे क्या होता है? अनिच्छन्नोपि वर्षेयो बलादि बनी तो कौन जैसे फोर्सफुली एंगेज? तो इसका उत्तर दिया भगवान, भगवान ने बोला नहीं इसका मैं कारण हूं, मैं उसको खराब कम में लगा। भगवान ने बोला देखो, काम ऐशो क्रोध ऐशो रजोगुणो समुद्भव महासन महापापना विद्धि न मेनम बैरिण, इसको दुश्मन समझो, इसको दुश्मन समझो, भगवान को दुश्मन मत समझो। इसका अंदर में कर्मफल के अनुसार जो काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापना विद्धि न मेनम बैरिण, इसको ही बैरी समझो। भगवान को कभी भी दुश्मन नहीं समझो। सिर्फ भगवान क्या करता है, अंदर में बैठा हुआ है, ये बोला है भक्त भोग करने के लिए इच्छा हो रहा है, ठीक है जो इच्छा तू कर। ये अप्रूवल जो है, ये उपद्रष्टा अनुमानता। अगर भगवान खुल्ला में खुला ऑर्डर दे दिया जो इच्छा कर ले, तो भगवान ने ये नहीं, ये कैसे बताया गीता में जे मैंने तो कुछ नहीं किया है लोगों को, भगवान ने ऐसे कैसे बता दिया? ये इसका जो पाप और पुण्य की नादत्य कसचित पापम, नादत्य कसचित पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यं दीयन्त वा। तो ये बात नहीं आता। अगर भगवान खुल्ला में खुला ऑर्डर दे जो इच्छा कर ले, भगवान का जो हमारा गायत्री मंत्र जो है प्रचोदयात, तो भगवान का प्रचोदना, प्रचोदना इज एक्शन, प्रचोदना फिलोसॉफी नहीं है। फिलोसॉफी के लिए हम लोग बोलता है, लेकिन ये एक्शन है। भगवान हमको प्रेरणा दो, भगवान हमको प्रेरणा दो, जैसे हुआ हम एक्शन में उतार आए, सही रास्ता में जाए। तो ये जो खराब रास्ता में जा रहा है, ये तो भगवान को बोल नहीं रहा, भगवान हमको प्रेरणा दो, ये अपना मनमानी, माया, माया इसका डायरेक्टर है। तो इसका अंदर में इनडायरेक्टली भगवान है, इसका जो है जो इंजॉइंग मूड है, भगवान देख रहे हैं, नजरदारी कर रहे हैं। अनुमंता मतलब ठीक है, भोग के बिना रह सकते जो इच्छा कर, ये अनुमंता। अब भर्ता तमाम ये दृश्यमान जगत और चीज जगत जो कुछ भी है सबका पालन करता भगवान है। और ये महेश्वर है, और एकमात्र एब्सोल्यूट भोक्ता जो है भगवान छोड़कर कोई कुछ नहीं है। जीवों का जो भोग वासना है इसका लिए एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट का लिए जीवों का पैदा नहीं हुआ। तमाम दुनिया का जितना सारे एंजॉयमेंट है, सारे एंजॉयमेंट जो है एकमात्र अधिकार है भगवान का, इसलिए भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा के रूप में अंदर में बैठ के सही कर रहा है जो जिसका, तो अधर्म क्या जानता हूं मैं, लेकिन अपने को रोक नहीं पाता यही करने का, इसलिए बोला तया हृदय स्थिति न जथा नियुक्त उसमें तथा करो मैं। आप हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान अगर नहीं है ऐसा सिचुएशन में जीवात्मा का क्या हो सकता? भगवान है तभी सब चल रहा है। भगवान परमात्मा का रूप में हर वस्तु में प्रविष्ट होकर चला रहा है, नहीं तो परमात्मा अनुपस्थिति है तो कुछ नहीं हो सकता। सब धारण करके रखा है परमात्मा का रूप में, शास्त्र का विचार है। तो यह बात समझ के रखना, उपद्रष्टा अनुमंता चौभर्ता भोक्ता महेश्वर। महेश्वर मतलब महादेव नहीं है कोई अगर समझे महाराज ये महेश्वर बोला महादेव है ना, या महेश्वर तो महादेव हम बोलते ही हैं, महेश्वर महाईश्वर महेश्वर, यहां महेश्वर का मतलब भगवान कृष्ण महामहेश्वर, महादेव का भी महादेव। सो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापी उक्तो, इसको परमात्मा रूप में जाना जाए
देहे अस्मिन् पुरुषः परः। आई बात समझ में? इसका बारे में सब चर्चा किया, भागवत से श्वेतसर उपनिषद से सारे चर्चा किया। चलो, और बहुत सारे श्लोक हैं भागवत में, सब चर्चा करने जाओ तो समय बहुत समय लगता है। हरिर् ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे, है ना? परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न किए, महाराज तज्जब की बात है, हैरान की बात है, जो भगवान सर्वेश्वर महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक, उसका भजन करे तो सारे दिखा जाता है कि वो ये निष्किंचन जीवन जीता है, और जो देव देवता का अर्चन करते, देवी मैया का, महेश का, सब मालामाल हो जाता है, क्या बात है। तो इसका उत्तर में परीक्षित महाराज का ये प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, महाराज ये बात ध्यान देना, अपनी ये इस बात को ध्यान देना, ये हरि इस जगत का कोई वस्तु नहीं है, हरि ये प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के परे परम वस्तु है हरि। हरि ही निर्गुणो साक्षात, हरि त्रिगुण का अंदर का विषय वस्तु नहीं है, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष और प्रकृति परे, ये परम पुरुष है आप प्रकृति से परे हैं, असर्वद्रिक उपद्रष्टा, सर्वद्रिक ये तमाम अनंत ब्रह्मांड में कहां कुछ क्या कुछ नहीं हो रहा है, तमाम चीजों का नजर भगवान का है, भगवान इज ओमनिप्रेजेंट, भगवान ओमनिप्रेजेंट है समस्त जगह, भगवान कहां नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भी दिखाया ना, प्रहलाद महाराज का वचन को सच बनाने की दिखाया ना, सत्यम विधातम निजभित्त भाषितम व्यक्तम च, ये जो समस्त भूत में मैं हूं इसको प्रमाण करने के लिए खंभा का नसीब, खंभा का अंदर से प्रकट दिखाया भगवान खुद को। हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे है, सर्वद्रिक उपदृष्टा, सब देख रहा है, उपदृष्टा सर्वद्रिक उपदृष्टा, उपदृष्टा उपदृष्टा क्यों बताया, उपदृष्टा क्यों बताया, उपदृष्टा इसलिए बताया जीवात्मा ये दर्शन कर रहे हैं अपना जड़ आंखें जो है इसके इसके सहायता लेकर जीवात्मा देख रहे तमाम चीज, और इसका ऊपर नजरदारी कर रहा है, इसके लिए उपदृष्टा, समझा मेरा बात, आई बात समझ में, सर्वद्रिक उपदृष्टा ये दर्शन कर रहे, इसके ऊपर फिर से भगवान दर्शन कर रहे, क्या करना है कर ले, सर्वद्रिक उपदृष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवे। सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया परीक्षित महाराज को, महाराज ये हरि इस जगत का कोई विषय वस्तु नहीं है, ये सर्वद्विग उपदष्टा, इसका भजन जो करे, भजन करने वाले और भजन करने का जो वस्तु है, भजन रूप विषय जो है, तमाम अपराकृत चिन्मय है, तंग भजनो निर्गुणो भवे, इसका भजन का रिलेटेड जो विषय है, मतलब भजन का वस्तु, भजन करने वाले और भजन तमाम चिन्मय है, कोई ताल्लुका नहीं है ये जगत का साथ। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है देव देवी का पूजा करें मालामाल हो जाए तो इसमें क्या आता जाता है, वो तो मैटेरियल जगत का मालामाल हो जाता है, ये तो छूट जाएगा शरीर का साथ। बहुत सारे कई श्लोक है इसका बारे में चर्चा करें तो अच्छा लगे, लेकिन समय अभाव के कारण हो नहीं सकेगा। जावत लिंगो नितो ही आत्मा, इसको काल चर्चा करें, जावत लिंगो निता लिंगा नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम, ये सेवेंथ कंटो सप्तम स्कंदो से काल चर्चा करेंगे इसको विषय में।
जो भी है तो इधर देखा गया सच्चा बात है उपद्रष्टा अनुमंता चौभर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चा चाउपी उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। 23 नंबर आगे चलकर 23 नंबर श्लोक में बताया भगवान, एक बात जरूर समझ लेना, जे जीव शरीर का अंदर में असत्य विकर्ग के संसार वृक्ष में कर्मफल भोग करते रहते, जीवात्मा अपर ईश्वर कोई फल भोग नहीं करते, नित्य दीप्तो नित्यानंद तृप्तो ज्ञान शक्तादि बले समाधिक रूपे विराजमान होकर इसको देख रहा है जीवात्मा को। तो 23 नंबर श्लोक में आता है जैवम व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह या एवं व्यक्ति, जो व्यक्ति इस तरीका से इस रूप इस ढंग से जो एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह, जो व्यक्ति पुरुष, पुरुष क्या चीज है, जीवात्मा को पुरुष बोला, परमात्मा को पुरुष है जो, अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, जो एवं व्यक्ति पुरुषम, पुरुष क्या चीज है ऐसे जो समझा, प्रकृति क्या चीज है इसको समझा, आप प्रकृति का गुण क्या है, प्रकृति जो गुणों ही सब प्रकृति को समझे, इसका गुण का प्रभाव के समन्वित प्रकृति का जो विषय है समझ में आए। जो एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणों ही सहो, प्रकृति का 17 जो तुम गुण जो है उसको नचा रहा है, इसके साथ प्रकृति क्या वस्तु है, हैं प्रकृति दो किसी दो भाग हुआ, एक माया एक प्रधान निमित्त कारण उपादान कारण, हैं माया निमित्त कारण उपादान कारण प्रधान है, प्रधान को डिवीजन होके कैसे धीरे धीरे सृष्टि का सब रास्ता खोल जाता है, बहुत सारे चर्चा है। सो जो यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते, इसे प्रणाली इसे प्रसिद्धियो पुरुष तत्व को समझे, सगुण माया तत्व को समझे, प्रकृति तत्व को और जीव तत्व को समझे, कैसे क्या हुआ, बंधन हुआ कैसे छूट सकता है, तमाम ये तत्वों का जानकारी जिसका अंदर में है, ऐसा जीव जो है वो जड़ जगत में अवस्थान करने का बावजूद इसका द्वारा जन्म लेने का कोई सवाल नहीं है। ये जड़ जगत में भले ही ये जड़ जगत में अभी है, लेकिन इसका ये जानकारी पूरा है, पुरुष तत्व सगुण माया प्रकृति तत्व जीव तत्व तमाम ये सब जो लेना देना तमाम चर्चा किया, इसका बारे में जिसका जानकारी भरपूर जानकारी है, ये जड़ जगत में वर्तमान अवस्थित होने का बावजूद फिर भी ये पुनर्जन्म इसका होने का कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे इसका बारे में बताया। देखो कपिल जी महाराज अपना देवावती मैया को कह रही है, ये जथा ही अप्रतिबुद्धस्य पश्रापो बहवो अनर्थभित स एव प्रतिबुद्धस्य न विमोहाय कल्पति एवं विदितो तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं जिञ्जतो नापकुर्वतो आत्मा रामस्य कर्हिचित्। आई बात कपिल जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे सपने में आए कुछ जीव पुरुष जब तत्व विषय के बारे में निद्रित रहता है, कोई जानकारी है नहीं,
ऐसे तो जीवात्मा को बोला है नित्य ज्ञानमय, नित्य चिन्मय, नित्य आनंदमय, लेकिन इसका जानकारी है नहीं, भूल भूल गया। जीव पुरुष जब तत्व विषय में कोई जानकारी इसका अगर नहीं है, निद्रित है, जानीश सर्वभूतानाम तस्सम जागृति संयमी जस्सम जागृति संयमी सानीश पश्यतो मुनि, जिस विषय में चेतन भाव को जागृत रखना चाहिए, इस विषय में जड़ जगत का समान आदमी सोया हुआ है, आराम आयस में जिंदगी गुजर रहा है। आयस आराम में गुजारने वाले जो व्यक्ति है उसका लिए परमार्थ तो बिल्कुल नहीं है, इसका लिए बिल्कुल परमार्थ तो नहीं है, परमार्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो आयस आराम में गुजारने वाला आदमी है उसका लिए परमार्थ तो नहीं, क्या करे। तत्व विषय में निद्रित है, जानकारी लेने का कोई इच्छा ही नहीं। इस समय में माया देवी का प्रभाव के द्वारा स्वप्न दृष्ट अनर्थ सकल आ गया। जैसे एक उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले, चागदा मंदिर में दो ब्रह्मचारी सोया हुआ है, एक ब्रह्मचारी ताकत का ऊपर, एक ब्रह्मचारी नीचे, नाम बोलने का दरकार नहीं, एक मोटा है ऊपर सोया हुआ, वो सपन देखता है भूत का सपन देख रहा है, और नीचे जो है वो सपने देख रहा है चोर का। अच्छा हुआ वो भूत का सपन देखते देखते वो नीचे गिर गया और ब्रह्मचारी का सर के ऊपर, अरे बाप रे चोर चोर मैंने पकड़ा, वो बोलता है भूत 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 पकड़ा मेरे को, छोड़ दो। तो ऊपर का व्यक्ति सपन देख रहा है भूत का, भूत आया वो ऊपर से नीचे गिर गया ताकत का नीचे, और नीचे का ब्रह्मचारी सपना देख रहा है जे ये है चोर आया है, वो जोर जबरदस्ती चोर पकड़ा। कि जगने का बाद दोनों में हंसी उड़ाए, अरे ये देख रहा है भूत, ये देख रहा है चोर। और एक पुरी में हुआ था, हमारा चैतन्य गौरी मठ का जो प्रभुपाद का जन्म स्थान है उसमें एक उड़िया, ये ब्राह्मण है, भजन भजन तो नहीं करता, वो हरे कृष्ण हरे नाम कभी करते थे, वो बहुत सारे परिश्रम किया रथ यात्रा में, वह पैसा पैसा किसी ने गमछा दिया, चावल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, खुशी होकर पैसा भी दिया बहुत सारे, और मठ मठ से भी मिला, सो इकट्ठा करके वो एकदम पैकिंग करके सोया हुआ है, सुबह में उठ के कटक जाएगा जल्दी जल्दी, और सपने में देख रहे और चिल्ला रहे मैं लूट गया। क्या लूट गया, बाजू में था कोई आदमी, ये क्या हुआ, उसको जगाया जल्दी से, मैं लूट गया, सब ले लिया मेरे, क्या ले लिया तेरा है, उठा तो देखा कुछ नहीं लिया, जैसा का तैसा है, उस सपने में देखा किसी चोर ने उठा के ले भी गया, और ऐसा ही है। तो ऐसा उदाहरण भागवत में कई जगह ऐसा उदाहरण है, ये उदाहरण बड़ा सुंदर उदाहरण है ना, अर्थे ही अविद्यमाने ओपी संस्थितिर न निवर्तते भयतो विषयन अस्य सपने अनर्थागम यथा, इसका चर्चा हुआ काल। अर्थे ही अविद्यमाने, अरे कोई कारण नहीं है, लेकिन वो कारण दिखाई पड़ता सपने में। अर्थे ही अविद्यमाने ओपी संस्थितिर न निवर्तते धैतो विषय न शो सपने अनर्थापगमो यथा, अर्थे ही अविद्यमाने ओपी, कोई कारण नहीं है, खमाखा आ गया, और अर्थे ही अविद्यमाने ओपी संस्थितिर न निवर्तते और धैतो विषय न अस्यो सपने अनर्थापगम, सपने में जैसा अनर्थ आ गया ऐसा ही लगता है। और या तीसरा स्कंद में कपिल जी महाराज कह रहे हैं यथा ही अप्रतिबुद्धस्यो पश्रापो बहवो अनर्थविद सएव प्रतिबुद्धस्यो न विमोहाय कल्पते,
जीव पुरुष जब तत्व विषय में निद्रित हैं, सपने में इसका विभीषिका हाहाकार मच गया, सपने में अनर्थ देख रहा है विभीषिका। किंतु ये पुरुष जो है अर्थात जीवात्मा जागृत होने से, नित खोलने से, और ये महाराज कुछ नहीं है। नित खुलने का मतलब है सपने में है, सपने में देख रहा है, और नित खुलने से देखा जहां के जहां कुछ नहीं। इसका और एक प्रमाण उदाहरण दिया, स्वप्न दृष्टो व्यक्ति को बताया, कंपेयर किया, इसका उदाहरण दिया किसका साथ, जिस जीवात्मा का तत्व विषय में ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में, ये जो सपने में देख रहा है जागने से नित खुलने से कुछ नहीं है, इसका उदाहरण इधर दिया गया। कैसे, जो जीव जो जीवात्मा तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व विषय में कोई जानकारी है नहीं, वो जानने का भी कोई इच्छा नहीं है, निद्रित है, इसका स्वप्न दृष्ट अनर्थ सपने में जैसे आता है, ऐसे ही माया इसका सामने मेस्मेरिज्म एक मैजिक दिखा रहा है, विभीषिका। किंतु जैसे पुरुष नित खुलने से जैसे कुछ नहीं है, ऐसे ही नित खुलने का साथ तुलना किया गया जो तत्वलाभ करने का साथ, जो जीवात्मा तत्वलाभ किया उसका नित खुल गया, वो माया से और हिलने वाला नहीं है। तत्वज्ञान लाभ करने का बाद पहले का जो इतना अनर्थ हुआ था, क्या कुछ नहीं किया, दारू पिया, इधर उधर भागा, यू नो सब कुछ किया घटिया काम, अब तत्वज्ञान लाभ होने का साथ साथ इसको लगता है कि मैं सपने में था, अब तो जाती जो ये सब कुछ नहीं, और जितना सारे माया का प्रभाव, जो व्यक्ति तत्वज्ञान लाभ किया मतलब जागृत हो गया, इसको माया का जो प्रभाव है उसको असर नहीं पक सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भगवान क्या वस्तु है, जीव क्या है, माया का प्रभाव, माया क्या चीज़ है, इसका इंटर रिलेशन जो है, पारस्परिक संबंध तत्व हो गया, और जो भगवान कह रहे मुझ में चित्त समर्पित कर आत्माराम हो जाता है, वो व्यक्ति आत्मनि रमते, बाहरी कोई वस्तु में इसका खिंचावट और नहीं रहता, आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, चित्तो हम मुझ में लगाकर चित्तो नियोग पूर्व आत्माराम हो जाता है, और प्रकृति उस समय इसका कोई कुछ बिगड़ नहीं पाती है, प्रकृति कुछ बिगड़ नहीं पाती इस समय। तो इसीलिए 23 नंबर श्लोक में बताया गया, यो एवं व्यक्ति, यो एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैश सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, इसका और द्वारा जन्म लेने का कोई सवाल है नहीं, वह जन्म तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। 24 नंबर आगे चलकर 24 नंबर श्लोक में बताया भगवान, धैनेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कहने का मतलब है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, अब ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति मतलब तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्यो चक्षुरा तदम ही तो भक्तोलो। ध्यान में भगवान का छवि बैठा हुआ है, कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब भक्ति है अंदर में, जैसा शास्त्री भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुण ही समासते, ये तो है। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति का मतलब है, ये जो केचित ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित, केचित मतलब ये भक्तगण,
कदापि भक्तगण जो है धैनेनो भगवत चिंता के द्वारा आत्मनि हृदय में आत्मनम परमात्मा को आत्मना स्वयं देखते रहते हैं। जीवात्मा परमात्मा का साथ दर्शन होता है। केचित मन भक्तगण धैनेनो भगवत चिंता के द्वारा आत्मनि मतलब हृदय के अंदर आत्मनम परमात्मा को आत्मना स्वयं दर्शन करते रहते। आत्मनि इज सेवेंथ के सप्तमी विभक्ति व्याकरण में आत्मनि आत्मा का अंदर आत्मानम किसको दर्शन करता है द्वितीया आत्मना दारा तृतीया है आत्मना स्वयं ही पश्यन्ति। और दूसरा जो ज्ञान मार्ग का जो है अन्य ज्ञानीगण सांख्येन अर्थात आत्मा अनात्म विवेक के द्वारा मेरे को उपलब्धि करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। और दूसरा जो योगीगण जो है योगेन अष्टांग योग के द्वारा अपरे इसका बारे में खुलासा होगा अपरे कौन है ठीक है ये समझ में आया। केचित भक्तगण धनेनो आत्मनि आत्मनम आत्मना पश्वन्ति ठीक है अन्य मतलब ज्ञानीगण सांख्येन है आत्मा अनात्म विवेक के द्वारा अपरे माने योगीगण योगेन अष्टांग योग के द्वारा अपरे माने अन्य केहो केहो कर्म योगेन च च माने ओ निष्काम कर्म योग के द्वारा भी मेरा दर्शन कर सकता है। कैसे इसका बारे में खुलासा होगा। धैनेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे भक्तगण भगवत चिंतन के द्वारा हृदय मध्य में परम पुरुष के स्वयं ही दर्शन करते रहते हैं। ज्ञानीगण सांख्य योग के द्वारा आत्म अनात्म विवेक के द्वारा ये तत्व को उपलब्धि करने का कोशिश करता है। योगीगण अष्टांग योग के द्वारा और कोई कोई जो है केहो केहो कोई कोई निष्काम कर्म योग के द्वारा भी दर्शन चेष्टा करते दर्शन करने का चेष्टा करते रहते हैं। ठाकुर जी का कहना है विश्वनाथ चतुर्दशी टीका का ऊपर आधारित है ठाकुर का ये टीका। हे अर्जुन मानो कि भगवान कहना चाहता है कि हे अर्जुन बद्ध जीव परमार्थ संबंध में भक्तिमत ठाकुर का कहना है मानो कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन बद्ध जीव ये पारमार्थो संबंध में दो कैटेगरी में विभाग किया जाए। बद्ध जीवों को कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज परमात्मकारी परमार्थो मनमा स्पिरिचुअल विषय आध्यात्मिक परमार्थो विषय में दो कैटेगरी में विभाग किया जा रहे मोटा मोटी ओवरऑल एक बहिर्मुख है एक अंतर्मुख है बस ये मोटा विभाग ग्रॉस डिवीजन। इसमें ग्रॉस डिवीजन हुआ एक बहिर्मुख है एक अंतर्मुख है। अच्छा बहिर्मुख कौन कौन है बहिर्मुख है नास्तिक है जो भगवान को मानते ही नहीं जड़ोवादी है संदेहवादी इसका अंदर में लॉजिक आता है संदेहवादी केवल नैतिक ये जो विमुख है इसको भाग ये छात्र ये सुंदर भगवान भक्तिमय ठाकुर जी ने एक आर्टिकल में सुंदर विभाग किया सुंदर विवेक इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया भक्तिमय ठाकुर इसका अंदर में सारे आएगा कितना सुंदर विभाग करके दिखाया। तो ये बद्ध जीवों को पारमार्थिक इन रिलेशन टू पारमार्थिक विषय दो डिवीजन ग्रॉस डिवीजन किया जाए एक बहिर्मुख है एक अंतर्मुख। बहिर्मुख का कैटेगरी में आता है नास्तिक है जड़वादी है संदेहवादी है वो केवल नैतिक फिक नीति प्रिंसिपल नीति को ही सामने रख के आगे जाता है वो कुछ मानता नहीं निराधार नीति
स्वैश्वर नीति और निरीश्वर नीति होता, एक केवल नीति नैतिक मतलब निरीश्वर निरीश्वर नैतिक भगवान को मानते हैं। एक प्रकार इसी प्रकार लोग सकल परमार्थ बहिर्मुख है और परकाल का विषय में शरीर छोड़ने का बाद क्या होगा, परकाल का विषय में थोड़ा आस्था रखने वाले विश्वास रखने वाले महाराज कुछ तो करना है, शरीर छोड़ के कहाँ जाए। ये परकाल का ऊपर आस्था रखने वाले विश्वास युक्त जो जिज्ञासु निष्काम कर्मयोगी और भक्त हो, यह रहा अंतर्मुख। परकाल का विषय में जिसका विश्वास है, जिज्ञासु निष्काम कर्मयोगी ओ भक्त हो, यह रहा अंतर्मुखी है, बड़ा विमुख नहीं है। और नितान्त तो अभेदवादी जो मायावादी है इसको छोड़ो, इसको बहिर्मुखी माना जाए। एक तर्क उठाया जो नितान्त तो अभेदवादी भगवान वो एक नितान्त तो अभेदवादी परायण जो सांख्य योगी वो बहिर्मुख का खाते में जाएगा, इसका नाम बहिर्मुख का खाते में जाएगा। और भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है, इसका मंदिर में भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। जेतु कारण क्या है, ये लोग प्रकृति का अतिरिक्त तो आत्म तत्व का बारे में जानकारी है, चिराश्रय के द्वारा परमात्मा का विषय में इसका चिंतन है, ध्यान है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। भगवत भक्तगण श्रेष्ठ है, पहले भी बताया 9वां स्कंद में 11वें स्कंद में बहुत सारे भक्तगण सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसका आस्था है, प्रकृति जड़ है, उसका अतिरिक्त तो एक चिन्मय जगत है, आत्मतत्व का विषय में इसका थोड़ा आत्मतत्व चिराश्रय के द्वारा परमात्मा का ध्यान में लगे हुए हैं। ईशानुसंधानकारी सांख्योगी गौन, पहले का सांख्योगी बताया था, ये बिल्कुल मानता ही नहीं, नितान्त तो अभेद परायण सांख्योगी ये बहिर्मुख, लेकिन ईशानुसंधानकारी जो सांख्य योग का बारे में कपिल जी महाराज, बाकी एक सांख्य है वो अग्निवंशो कपिल जी, इन्होंने निरीश्वर कपिल ये मायावाद को स्थापन किया। और ईशानुसंधानकारी जिसका बारे में हमारा कपिल जी महाराज मैया को गाइडेंस की, प्रकृति पुरुष तत्व को बताते हुए आगे चलकर भक्ति क्या चीज़ है, कैसे भगवान को हृदय के अंदर में दर्शन कर सकते हो सारे, तो इसका मतलब है ईशानुसंधानकारी, ईशो अर्थात ईश्वर के बारे में अनुसंधानकारी जो सांख्योगी है ये, लेकिन सेकंड कैटेगरी में अर्थात भगवत भक्तों का कैटेगरी अर्थात अंतर्मुखी का कैटेगरी में इसको गिना गया। ये लोग 24 तत्व 26 तत्व बहुत सारे तत्वों के बारे में जानकारी करके भगवान मूल है और सारे तमाम चीज़ को अनुभव करने का प्रयास प्रचास में लगे रहते हैं, ये सांख्योगी। ये लोग 24 तत्वों में ही प्रकृति को आलोचना करके चर्चा करके पंचविंशति तत्व जीवात्मा शुद्ध चित्त स्वरूप जानकर षड़विंशो मैं 26 तत्व ये भगवान पूरा इसको धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। ये लोग धीरे धीरे हमारा चिंतन में लग सकता है। धैन्येन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। धीरे धीरे ये सांख्ययोगी जो है ईश्वर अनुसंधानकारी सांख्ययोगी, धीरे धीरे ये लोग कपिल जी महाराज मैया को भक्ति योगे न साधु संग के बारे में भी बताया, सतांग प्रसंगात मम वीर संविद भवंती हृत्कर्ण रसायन कथ तज्योत्सनादासु अपवर्गवत्मनि श्रद्धा भक्ति रति रणुक्रमिष्यति, ये बताया। तो ये निरीक्षण नहीं है इसका, ये बहिर्मुख नहीं अंतर्मुखी। तो ये जो ये लोग जैसे सर्वविंश तत्व के बारे में चर्चा करते हैं भगवान को रखकर सामने, इसमें ग्रेजुअली ये लोग भक्ति योग का ओर बढ़ता है
और भक्ति योग को प्राप्त कर, इसका बारे में कपिल जी महाराज मैया को बहुत सारे तत्व बताए बताए भक्ति योग क्या है, हैं अनन्य भक्ति योग क्या है, इसका बारे में यथा गंगाम्बुशो अम्बुधा है अम्बुधि जय गंगो गंगा पानी जैसे एकदम दौड़ती हुई समुन्द्र के साथ मिलती है ऐसा ही। तो ये कर्मशो ग्रेजुअली दे कैन गेट स्टार्ट भक्ति विधान कर सकता है, भक्ति योग वो अपना जिंदगी में ला सकता है। और इसके इससे भी इन्फीरियर इससे भी नीचे है एक कैटेगरी जिसका बारे में चापरे, ये जो चापरे बताए ना ये जो चापरे कर्म जोगेन जोगेन च अपरे अन्न केहो क्यों, ये कौन है इसका बारे में बताया गया। जितना सारे ये जो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले इन लोगों में ये निष्काम कर्म जोगे तदपेक्षा नूनो, इसका जो प्रोसीजियर है इसमें तो बहुत अच्छा है लेकिन और इससे भी इन्फीरियर नीचा तदपेक्षा नूनो श्रेणी निष्काम कर्म जोगी सकल वर्तमान ये भी ये लोग भी निष्काम कर्मयोग के द्वारा भगवत चर्चा का भगवत निष्काम कर्मयोग के द्वारा ग्रेजुअली आगे बढ़ के भगवत तत्व आलोचना का सुजोग प्राप्त कर सकता है। ये आगे चलकर भगवत तत्व का बाल में भगवत आलोचना का सुजोग प्राप्त कर सकता है। इसका बारे में बताया जे ठीक है ये पहले जो भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठित होने चले ये लोग इससे थोड़ा नूनो है नीचा है तदपेक्षा नूनो सनिते निष्काम कर्मयोग, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी अगर अंतर से काम को भगवान का लिए समर्पित करे ठीक है लेकिन अक्सर ये होता है कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी अगर अंदर में ऐसा भी भावना आ गया गंदगी कि मैंने कर्म किया भगवान को दे दिया बस हो गया, मैंने तो किया ना और दे दिया भगवान हो गया, अब तो उल्टा हो गया। इसका निष्काम कर्मयोग जो पक्का है रंती देव आदि ये जो निष्काम कर्मयोगी हर समय निष्काम कर्मयोग सकल वर्तमान ये लोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा भगवत चर्चा का ओर बारने का कोशिश करता है। भगवत चर्चा भगवत आलोचना भगवत चर्चा मतलब आज नहीं तो कल उसका भक्ति आ सकता है, इसीलिए भगवान 24 नंबर श्लोक में बताया धैनेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ने सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापर, एता हो गया व्याख्या। आगे चलकर 25 नंबर श्लोक में बताया यहां 10 नंबर 10 दशम स्कंद में 23 अध्याय में ऐसा है, दशम अध्याय तो नहीं तो 11 स्कंद में हुआ शायद, जो भी है जद्रिच्छया मत कथादौ या तो सदस्तु योपमान जद्रिच्छया मत कथादौ या तो सदस्तु योपमानो न निर्विन्न नातिशक्त भक्ति योग अस्वसिद्धि दो, इसका बारे में काल खुलासा होगा। ये जो निष्काम कर्मयोगी है धीरे धीरे जद्रिच्छा मत कथा दो, इसका हमारा कथा में अचानक श्रद्धा हो गया जद्रिच्छा मत कथा दो या तो सदस्तु योपमान, जिसका नॉन निर्विन्न नातिशक्त विषय का मैंने घृणा भी नहीं है आसक्ति नहीं है भक्ति योग इसका सिद्धि होता है। 25 नंबर में भगवान ने बताया अन्ने तू एवं अजानंतो
श्रुत्या अन्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणा। क्या बताया? अन्ये तु एवं अजानंतः श्रुत्यान्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणा। इसमें क्या विशेष है? अन्य अपर ऐसा भी कोई भक्त, ऐसा भी कोई जीवात्मा है, कोई कोई ऐसा है, एक रूप तत्व अजानंद, ये सब तत्वों के बारे में उसका कुछ जानकारी है नहीं, विशेष करके अन्यभ्यो दूसरा कोई सवन गुरु का मापिक उपदेष्टा का पास धीरे धीरे सुना है, अन्यभ्यो अन्य उपदेष्टा का निकट, अन्य उपदेष्टा का सामने, अन्यभ्यो मतलब अन्य उपदेश कारीगण, अन्य उपदेष्टा का निकट थोड़ा श्रवण किया, श्रुत्या सुनते सुनते इसका थोड़ा उपासना में लग गया, श्रुत्या सुनिया सुनिया उपासना करें। आ ये लोग भी तेयोपि, इन लोगों में ऐसा भी भाग्यशाली हो सकता, तेयोपि श्रुति परायणा उपदेश श्रवण परायण, बार बार इसको भगवान का कथा सुनने का इच्छा होता है, ये लोग भी आगे चलकर भगवान का कथा का सहारा ले लिया, मृत्यु रूपी संसार को अतिक्रम करके जा सकता है। ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, इसी का कैटेगरी में हमारा गौड़ीय मठ में बहुत सारे ऐसा है, वो तो ज्ञान जोग सांख्य कुछ में नहीं गया, सिर्फ साधुओं का मुख में सुनते सुनते इसका हरि कथा में लगन लग गया। तो इसका बारे में नॉन निर्विन्या यो बताया है, जद्रिच्छा मत कथा दो, या तो सदस्य जो पुमान नॉर्विन नॉन निर्विन्न नातिशक्त भक्ति योग अस्त, ये जो है दूसरा कोई कैटेगरी है, ये किसका तत्व के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, बस ईश्वर का कथा सुनते रहा, अशोवन करते करते को लगन लग गया, श्रवण पारायण हो गया, भगवान का कथा में लगन लग गया, और इसके द्वारा भगवान का कथा के द्वारा किसकी, भगवान का कथा के द्वारा हृदय का अंदर में जमे हुए जितना अनर्थ है इसको बहुत एकदम बहुत सहज तरीका से कटा जाए। ये लोग आधुनिक भावापन्न हरिकथा वक्ता का निकट, शोभन गुरु का निकट शोभन करते करते उपाय गुली कैसे भगवान का भजन किया जाए ये सब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, आ करते करते थोड़ा कोशिश में लग जाते हैं भगवान का सेवा में। ये लोग भी धीरे धीरे सत्संग के द्वारा इसका उपलब्धि जो है, सत्संग के द्वारा ग्रेजुअली इसका उपलब्धि रियलाइजेशन पावर ऐसा ऊपर पहुंचता है, ये मृत्यु को अतिक्रम करके केवल श्रवण का द्वारा महिमा के द्वारा सर्वोत्कर्ष प्रदर्शन करा, अर्थात ये श्रवण महिमा का सर्वोत्कर्ष, श्रवण महिमा जो सबसे ऊपर है इसके द्वारा ये साबित किया गया। अन्य तू एवं अजानंतो श्रुत्या अन्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति त्वरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। याद है ना इसका बारे में कपिल जी, इस बार में ब्रह्मा जी ऐसा कपिल जी महाराज का शतांग प्रसंगात और ब्रह्मा जी का स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभाग मनो भी, ये सब बात को ध्यान करो, बहुत चर्चा हुआ तो याद आएगा ये श्रुति परायणा श्रवण परायण जो व्यक्ति है ये सबसे ऊपर है। आगे का चर्चा तो हो गया, श्रवण का महिमा सबसे ऊपर स्थापित हुआ। अन्य तू एवं अजानंतः श्रुत्या अन्येभ्यो उपासते तेयोपि चाति तरंति एव मृत्युम श्रुति परायणः। इसका बारे में काल फिर खुलासा चर्चा हो सकता, काल आज समय हो गया। विषयान धयतश्चित्यं विषयेषु विसर्जति मां मनुस्मरत चित्त्यं मयि एव प्रविलीयते। वांछा कल्पतरु सिक्के पास सिंधु व्यवस्था।
पतितानं पावने भो विष्णुभ्यो नमो।